एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं अभी तक क्या कर रही थी जो मैं 3 बजे स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग को, सुबह से क्यों नहीं किया यार। एक्चुअली आजकल ना मौसम शिमला में ना बहुत ज्यादा पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है, मतलब काफी ज्यादा खराब है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कभी एकदम नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। तो हमको खुद समझ नहीं आ रहा, जो शिमला में रहने वाले लोग हैं उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई मौसम क्या चाहता है हमसे। अभी भी फिलहाल मौसम खराब ही है, तो ये वाले मौसम में कैसा है ना, सुबह से धूप वगैरह तो आई नहीं है, तो सुस्ती ही पड़ी हुई है यार। ऊपर से पता नहीं मैंने कल जिम में क्या एक्सरसाइज किया, मेरी इतनी ज्यादा बॉडी एक हो रहा है ना। तो अब मैंने यार सोचा कि चलो थोड़ी सी हिम्मत करके खड़ी हो जाती हूँ। और पता है हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज, मतलब आज ना हितू भाई सुबह ही उठ गया है, सुबह से लेकर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और मैं सच बताऊँ जिस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड करता है ना यार, तो उस दिन ऐसा समझ लो तुम कि मेरे लिए लंच बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओहो बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बाहर से, रुक जाओ मेरे को पहले दरवाजा बंद करने दो। अब मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, देख रहे हो इस मौसम की दुविधा, ऐसा होता है यार मेरे साथ। फिर से खोले तो लगता चली गई आंटिया। हाँ अब सही है यार, आज पूरे दिन भर मैं मतलब लंच नहीं बना सकती क्योंकि अभी वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसको मेरी मतलब होता नहीं है। हमारा किचन ना ओपन है, तो उसमें अगर मैं कुकर वगैरह में कुछ भी चढ़ा दूंगी तो उसकी सीटी की आवाज़ आती है यार, वो अंदर तक सुनाई देगी यार। तो फिर ये तो तय ही है हमारे बीच कि जिस दिन वो रिकॉर्डिंग करता है उस दिन या तो मुझे लंच पहले से बना के रखना पड़ता है या तो फिर मैं नहीं बना पाती। तो आज मैंने पहले से कुछ नहीं बनाया हुआ है। आज तो भाई हमने ब्रेकफास्ट भी यार शेक ही पिया था, अब लग रही है भाई भूख क्योंकि अब दिन के 3 बज चुके हैं। अब 3 बजे तक तो कौन ही भूख कंट्रोल करता है। तो मैंने बाहर से खाना मंगा लिया। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा अगर आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे ना कि कैसे बच्चे हमारे खाना बनाने में भी आलस करते हैं, लेकिन ये ना आलस नहीं है, ये आपके बेटे की गलती है। वो मुझे खाना बनाने नहीं दे रहा है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसमें उसकी गलती भी नहीं कह सकते। पर चलो ना कोई नहीं, कभी कभी तो खाते हैं हम बाहर का। बाहर से मैंने कुछ ऊटपटांग नहीं मंगाया, मेरा एक्चुअली राइस खाने का मन कर रहा था तो मैंने बिरयानी ही मंगाई है। तो यार क्योंकि यार मेरे मम्मी पापा भी व्लॉग देखते हैं तो फिर हमें डांटना पड़ता है ना, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने क्या मंगाया है और मैंने घर में क्यों नहीं बनाया खाना। तो अभी तो ऑर्डर दिया ही है, अभी तो ऑर्डर आने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तब मैंने सोचा चलो व्लॉग की। यार यहाँ ना घर के पास कुछ काम चल रहा है तो कॉन्स्टेंट शोर आए जा रहा। आप लोग ने इसको थोड़ा इग्नोर ही करना है शोर को, क्योंकि मैं भी इग्नोर ही कर रही हूँ। हाँ तो अभी खाना आने में तो टाइम लगेगा, हाफ एन आवर तो लग जाएगा, तब तक मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तुम लोग ये देख रहे हो भारी बदमाश बंदर ने ना मेरा गमला ही तोड़ दिया यार। हाँ के बंदर इतने शरारती है। अब पता नहीं ये कल तक तो ठीक था, पता नहीं शायद शाम को तोड़ा है इन्होंने, अभी मैंने साफ भी नहीं किया, साफ करना पड़ेगा ये। पता मैं जितनी बार बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना उतनी बार ये अंकल नीचे से मशीन ऑन कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि अंकल ने मेरे घर में कुछ कैमरा लगाया हुआ कि जब जब मैं बोलूंगी तब तक मशीन लगानी है। हाँ अभी मुझे उनकी आवाज नहीं आई, इससे पहले मैं जितनी बार बोल रही थी ना उतनी बार अंकल मशीन चला रहे थे, और जितनी बार मैं चुप हो रही थी मशीन भी चुप हो रही थी। भाई मेरा ऑर्डर तो बहुत ज्यादा जल्दी आ गया, मतलब आधा घंटा लिखा था, आधा घंटे से पहले आ गया 20-25 मिनट में। अब मैं पता क्या सोच रही हूँ, इतनी जल्दी उन्होंने बना के ला भी दिया, स्ट्रेंज। बाकी तो अब टेस्ट पे पता लगेगा कि खाना कैसा आया, वैसे हम वहां से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मंगाते हैं तो अच्छा खाना भेजते यार, तो देखते हैं। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़ा कुछ मंगवाया मैंने। A few moments later. शाम का वक्त हो गया है और आज टर्न है मेरी चाय बनाने की। तो हम लोग यार ऐसे ही करते हैं, एक दिन मैं चाय बनाती हूँ, एक दिन मेरा भाई चाय बनाता है। पिछले कल उसने मैं लाई थी मुझे चाय, तो आज मेरी बारी है, तो बस चाय बनाने लगी हूँ। टी इज रेडी, चलो देख आते हैं टी। तो भाई आपकी चाय आ चुकी है, पूरे दिन भर काम करके कैसा महसूस हो रहा है दीदी के हाथ से चाय पीने का? काफी अच्छा लग रहा है, आधे घंटे बाद चाय लेके चलना है, आधे घंटे बाद नहीं लाई। अच्छा मुझे बता तुझे लंच कैसा लगा, मैंने खुद बनाया था अपने हाथ से, पसंद आया तुझे? कितना टेस्टी खाना था ना, मतलब मैं खुद हैरान हो गई थी क्या टेस्टी। कितना बता हुई ना, कितना बता। अच्छा वो होटल में जॉब करते तो रेस्टोरेंट में ना। चल ना बुढ़िया से, काफी अच्छा बना था। चल चल मुझे लगा था तेरे को पता नहीं लगा होगा। तंदूरी रोटी से लग गया होगा, ठीक है ना। मैंने सिर्फ तंदूरी रोटी मंगाई थी और वो जो कॉलीफ्लावर था ना वो मंगाया था, बाकी तो वो तो मैंने बनाया था, कोफ्ता मैंने बनाया था खुद। अच्छा चल अभी मेरे खाने की बुराई कर रहा ना, अब मैं रुक जाता हूँ डिनर में ना वही खिलाऊंगी। क्या सूखा सा सैलेड, अब वो मिलेगा तुझे डिनर में। थोड़ी भाई इसका रूम इतना गर्म है और इसके ये बस टेडीज, ये तो सोया ही होता 24 घंटे। कहाँ से क्यूट है भाई, उफ कितना गर्म है यार। ये देख रहे हो शिमला में कितनी ठंडी है, जुराबे ब्लोअर भी चल रहा है, देख सकते हो तुम बहुत ठंडे भाई। हाँ मुझे लग रहा है किसी की वीडियो दिखानी चाहिए, किस वीडियो में काम कर रहे हो तो दिखा दूं।
मैंने बता दिया था सुबह ही, मैं कहीं कुछ ना कुछ वीडियो पर काम कर, इसलिए मुझे खाना बनाने भी देर से लेके अभी अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले फ्री हूँ मैं, तभी ये बड़ा खुशी हो रहा था। अभी जब मैं रूम में एंटर हुई ना, ठीक गाने गा रहा है, मैं दिखाना चाहता मुझे, मैं सोच रहा हूँ रूम के अंदर आ चुके, चाय की नहीं पकड़ा रही, गाना सुन के आ रही। अरे मैं वो फोन का कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा था मेरे से। चलो फिर डिनर पे मिलते हैं ना, हाँ अगली बार सुनाऊंगी, कोई नहीं मैं तेरे पास पाए वैसे भी करती रहती हूँ। आज दिन में पता क्या हुआ था ना, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जब वो जो भैया आए थे ना जिन्होंने मुझे फूड डिलीवर किया था, तो वो ना मतलब इतनी जल्दबाजी में थे। एक्चुअली वो भैया ना बेचारे जल्दबाजी में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, शायद उनके पास और ऑर्डर्स वगैरह होंगे, तो वो जैसे ही घर में देने आए ना, मतलब मैंने उनको बोला स्कैन करने को, मतलब स्कैन हुआ और उसके बाद वो पेमेंट हो नहीं पाई, तो वो भैया रुकते भी नहीं है, मतलब उनको इतना अंधा ट्रस्ट है हम लोगों पे। हम काफी बार मंगवाते हैं उनसे, तो बेचारे भैया मतलब इतने नाइस है, वो रुक के भी नहीं, मतलब मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि पेमेंट हुई भी नहीं, कैंसिल होगी पेमेंट। फिर मैं सोचती थी यार, मतलब फिर मैंने भैया का नंबर सर्च किया, मेरे को ध्यान भी नहीं था कि मैंने उनका नंबर सेव भी किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मैं तो स्कैन किया था, स्कैन से पेमेंट हो नहीं पाया और वो भैया निकल गया उतने में। और मैं हितू को बता रही हूँ कि यार भैया हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं ना, और अगर कभी हमने पेमेंट नहीं की तो, नहीं नहीं ऐसा तो हम वैसे नहीं करेंगे, इसी वजह से तो उनका ट्रस्ट बना हुआ हम पे कि हम कर ही देते हैं पेमेंट। एक बार हितू के साथ भी हुआ था, उन भैया ने ऐसे ही किया था, हितू पेमेंट नहीं कर पाया था, और हितू जब हमने नेक्स्ट ऑर्डर मंगाया था ना फिर कुछ दिन बाद, फिर हमने तब उस पिछले ऑर्डर की भी पेमेंट कर दी थी, क्योंकि हो ही नहीं रही थी उनको। नाइस भैया यार वो। बाकी यार अब शाम हो चुकी है, मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। वैसे भी हमने लंच सच में हैवी कर लिया था, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं बिरयानी मंगाऊंगी, लेकिन मैंने बिरयानी नहीं ऑर्डर की, मैंने तंदूरी रोटी मंगा ली थी, उसके साथ सब्जी वगैरह मंगाई थी। तो अभी फिलहाल ना पेट मेरा तो फुल ही है यार, मैं सोचो सिंपल सा, अभी मैं इसको बोल रही थी ना सैलड, हाँ आज वैसे भी मेरा मूड ही था, सैलड बनाने का ही मूड था। वो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, बहुत इंजॉय करके खाता है वैसे भी सैलड। तो अभी ना यार, मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था ना कि अगर मुझे किसी के कमेंट्स पसंद आएंगे मैक्स, तो कमेंट्स मैं अपने चैनल पे शो करूंगी और नाम भी बताऊंगी कि किसने लिखा है। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वो कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी आप लोगों के। कुछ बताऊँ ना, मुझे दो नहीं यार, मुझे आप लोगों के सभी लोगों के कॉमेंट्स बहुत ज्यादा पसंद आए। मतलब मैं सिर्फ बोलने को नहीं कह रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे सच में आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दो कॉमेंट्स थे जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे भी लगे और एट द सेम टाइम फनी भी। तो मैं आपको बताती हूँ, जो पहला कमेंट मुझे पसंद आया वो रिजुल गेमर जी की तरफ से था, जो कि है कि दीदी आप बनाओ रेगुलर व्लॉग्स, मैं बैठा हूँ आपके व्लॉग्स देखने, मैं बहुत वेला हूँ, हैशटैग टाइम पास। ये जो हैशटैग टाइम पास लिखा था ना, ये बहुत फनी लगा मुझे। यार मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं ना छोटी छोटी चीजों पे ना मतलब हंस पड़ती हूँ, तो मुझे ये पर्सनली बहुत फनी लगा, चाहे मैक्सिमम लोगों को शायद ये इतना फनी ना लगे, पर मुझे बहुत फनी लगा। और जो सेकंड कमेंट था जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, वो था आदित्य भोरिया जी की तरफ से। आई होप कि मैं आपका सरनेम अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ, भोरिया, आई मीन सरनेम में ना कई बार गड़बड़ हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में। तो वो कॉमेंट भी मुझे काफी ज्यादा मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन फनी लगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो कॉमेंट क्या था कि दीदी आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, आप रेगुलरली व्लॉग्स बनाया करो, मैं भी देखता हूँ कि मम्मी कैसे मना करती है। मुझे नहीं पता ये उन्होंने अपनी मम्मी के लिए कहा कि मेरी मम्मी के लिए कहा। मजाक कर रही है यार, मुझे पता अपनी मम्मी की बात कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी तो क्यों मना करेगी ना मुझे व्लॉग्स बनाने से। वो शायद से अपनी मम्मी की बात कर रही थी कि उनकी मम्मी उनको कैसे रोकेगी देखने से, आई गेस यही था इस कॉमेंट का मतलब। तो यार ये थे आज के दो कॉमेंट जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे, फनी लगे थे। बाकी ऐसा नहीं है, मैंने आप सब लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े यार, और मतलब मुझे एक एक कमेंट्स इतना पसंद आए मैं बता नहीं सकती। कई लोगों ने मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, गीता से रिलेटेड लिखी है, और भी बहुत सारी चीजें थी, मैंने सारा पढ़ा है। तो बाकी अभी मेरा डिनर तो बना लिया, लेकिन अभी डिनर करने के लिए पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ना मुझे भूख लग रही ना मेरे भाई को भूख लग रही है, तो डिनर बना हुआ है, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम फ्री था मेरे पास, तो मैं सोच रही थी यार कि मैं भगवत गीता पढ़ लेती हूँ। आप में से कई लोग ये ना सोचे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। कि लाइक मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, नहीं। अब ऐसा है ना कि अब मैं जब व्लॉगिंग कर ही रही हूँ, जब मैं बाकी चीजें दिखा सकती हूँ अपनी, तो मैं ये चीज भी बहुत प्राउडली दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ डेली। और वैसे और टाइम मैं दिन के टाइम पढ़ लेती हूँ, लेकिन अभी मैं दिन में नहीं आज पढ़ पाई, तो मैं सोच रही थी अभी थोड़ा टाइम था तो मैं 10-15 मिनट भगवत गीता पढ़ लेती हूँ। वैसे ये चीज मैं इसीलिए भी बता रही हूँ ना, मुझे ऐसा है मन में कि क्या पता मुझसे इंस्पायर हो के लोग भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो ये तो यार बहुत अच्छी चीज हो जाएगी ना, तो इसीलिए भी मैंने ये चीज शेयर कर ली कि हाँ ये मेरा भगवत गीता पढ़ने का टाइम है। ये है मेरे पास भगवत गीता का इंग्लिश वर्जन और ये हिंदी वर्जन। यार मैं ना एक एक या दो दो श्लोक पढ़ लेती हूँ डेली का, तो पहले मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, उसके बाद इंग्लिश में पढ़ती हूँ। A few moments later, गाइज मैं अपने भाई को ना भी सैलड देने जा रही हूँ,
और मैं तुम्हें देखो इसके सैलेड में सबसे खास बात क्या, रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ मकड़ी सैलेड। हर कहीं लगाता रहता है ना इस मकड़ी को, इसको ना मैं क्या सोच रही हूँ अंदर दबा के रखूँ। नहीं यार वैसे इसको पता ही है कि नकली मकड़ी है हमारे घर में, बस ऐसे लगा देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। और ये है बहुत ज्यादा खूबसूरत सा मकड़ी सैलेड, देखते इसको मकड़ी सैलेड पसंद आता है कि नहीं आता है। आपके लिए स्पेशल सैलेड आया है, आपकी सिस्टर ने बनाया आपके लिए मकड़ी सैलेड। देख देखा गाइस, मतलब हम दोनों को पता है कि नकली मकड़ी एकदम से डर लग जाता है ना एकदम से देख के इसको। ऐसा मकड़ी सैलेड आपने कहीं देखा नहीं होगा। अरे यार इसी की वजह से तो स्वाद था इसमें, क्यों निकाली तूने मकड़ी साइड पे? हाँ प्लास्टिक मेरी मकड़ी। अबे यार टेस्टी मकड़ी थी। अबे यार तू तो सच में खा ली, कितना बदतमीज है, मकड़ी कौन खाता है? लेकिन ऐसा स्पेशल मकड़ी सैलेड आपने कहीं नहीं देखा होगा। इतने खाने में ठीक है, और है सैलेड ऐसा नहीं हो तो मैंने मकड़ी डाल नहीं, और खाने कुछ और नहीं है यार सैलेड ही। यार एक बात बताओ, मैंने ना दिन में हमने इतना हैवी लंच कर लिया था, अब हम डाइट पे है तो यार इतना ही खाने को बनता है ठीक है। अभी तो बोल रहा था मैं तो पसंद करता हूँ सैलेड, यार इतना ही मिलेगा और मकड़ी खा लूँ थोड़ा प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नहीं तो गाइस इसकी वीडियो ओ नहीं दिखानी थी। ओए दिखा दे यार वो गाइस सामने, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए गाइस। देखिए स्मार्टी खुद बोल रहा है अपनी वीडियो से मेरी वीडियो के लिए, मतलब हमको पता हो के भी ना नकली है फिर भी हम बार बार इससे डर जाते हैं। मैं भी बहुत बार डर गई, ये भी डर गई। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।